हेलो गाइस, दिस इज़ विक्रम और आज की वीडियो में एक ऐसा प्रोडक्ट लाया हूँ जो कि सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। ये एक ऐसा एम्पलीफायर है जो इतना पावरफुल है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मतलब 4 चैनल और ऊपर से क्राउन का। चलिए सीक्रेट खोलता हूँ। आज हम लोग देखने वाले हैं क्राउन का आईटी सीरीज़ का एम्पलीफायर, जो कि ये IT4x3500, इसका मॉडल नंबर है। आज इस एम्पलीफायर को अनबॉक्स करेंगे, इसको टेस्ट करेंगे। हालांकि इस एक वीडियो में मैं पूरी इसकी जानकारी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि इसमें जानकारी देने के लिए बहुत कुछ है। इसमें पूरा भंडार भर रखा है कंपनी ने। इसका इंटरफेस कमाल का है। इसकी टेक्नोलॉजी जो है वो क्लास आई है। ये पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है क्राउन की ओर से। अगर कोई अदर कंपनी इस ब्रांड को या इस मॉडल को कॉपी करने की कोशिश करती है तो क्राउन उसे सू कर सकता है। तो आइए इस एम्पलीफायर को आज देखते हैं, समझते हैं और इसे टेस्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब किया जाए, इस वीडियो को लाइक और शेयर किया जाए और ऐसे बहुत सारे कंटेंट मैं और भी लाता रहता हूँ। इस एम्पलीफायर को अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो नज़दीकी डीलर से कॉन्टैक्ट कीजिए या तो फिर मुझे भी याद कर सकते हैं। ऑफिस नंबर मैं नीचे दिए देता हूँ, वहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं आगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग से। बॉक्स पे आप लोग कंपनी का ब्रांडिंग देख सकते हैं, मॉडल नंबर देख सकते हैं। आईटेक 4x3500HD इस एम्पलीफायर का मॉडल नंबर है। बॉक्स के साइड में आईटेक एचडी सीरीज लिखा हुआ है। इसे ओपन करते हैं एक बार। सबसे पहले ऊपर आप एक बार इसके जो डिटेल दिया हुआ है वो देखते हैं, जिसमें आपका एमआरपी भी लिखा हुआ है। यहां आप गौर करेंगे एमआरपी पे। हालांकि मार्केट में ये काफी कम प्राइस में भी अवेलेबल हो जाता है। इसमें कई सारे फीचर्स ऐसे हैं, जैसे कि सबसे पहला मैं बताना चाहूंगा BSS ओमनी ड्राइव SD इसकी टेक्नोलॉजी है। ये वो टेक्नोलॉजी है जो क्राउन ने सिर्फ इस एम्पलीफायर के लिए डेवलप कराई हुई है। इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं क्लास आई का पेटेंटेड लिखा हुआ है, उसके बारे में मैं आगे बात करता हूँ। पैकेजिंग में पूरा कवर्ड है एम्पलीफायर अंदर से, और ये बैक साइड से आप देख सकते हैं, इसे हम लोग खींच निकालते हैं। ये पावर केबल जो है, इसे पावर कॉन केबल बोला जाता है। ये एम्पलीफायर के बैक साइड में लग जाएगा। ये कुछ एसेसरीज और ये इसका मैनुअल। मैनुअल पे इसके टेक्नोलॉजी, इसके पावर स्पेसिफिकेशन के बारे में लिखा होता है। और ये इसका स्टिकर जो कि एम्पलीफायर के ऊपर लगाने के लिए दिया जाता है। काफ़ी कम वेट वाला, मतलब अप्रोक्सीमेटली 13.5 किलो वाला ये एम्पलीफायर है। और इसे साइड से कवर्ड कर दिया गया है, पूरा ऐसे टाइप का कवर्ड है कि कहीं पे गिरने से इसमें डैमेज ना हो। पॉलिथीन निकाल लेते हैं एक बार और एम्पलीफायर को रखते हैं आपके सामने। इस मॉडल का डिज़ाइन ही कुछ ऐसा है कि कई सारी लोकल कंपनीज इस मॉडल को कॉपी करने की कोशिश करती हैं, जो कि आपको मिल जाएंगे देखने में। सो गाइस, दिस हैपन्स टू बी क्राउन आईटेक 4x3500HD एम्पलीफायर। ये एक पेटेंटेड क्लास आई टेक्नोलॉजी का एम्पलीफायर है, जो कि 6th जनरेशन वाली है। ये क्राउन का खुद का डेवलपमेंट है। ये 4 चैनल एम्पलीफायर है। आप इसे नज़दीक से देख सकते हैं, पावर स्विच दिख रहा है, ब्रिज के ऑप्शन सामने से ही दिख रहे थे। इसका बिल्डअप, इसका चेसी कमाल दिया गया है। ऊपर से इसे BIS अप्रूव्ड का सिंबल लगाया गया है। यहाँ पावर कॉन केबल लग जाएगी। एक स्विच है जो कि ऑन ऑफ का MCB स्विच होता है। ऊपर से फैन है। 4 इनपुट एनालॉग सॉकेट है, 2 डिजिटल इनपुट है और एक ईथरनेट का सॉकेट दिया हुआ है। एक फैन जो कि आउटपुट सेक्शन पे ठंडा रखने के लिए।
3 स्पीकॉन सॉकेट्स दे रखे हैं, इसके बारे में मैं डिटेल आगे देता हूं आपको। काफी मजबूत चेसी, काफी स्ट्रॉन्ग मॉडल दिख रहा है हमें। इसमें एक डिस्प्ले दिया हुआ है जो कि लगभग 4 इंच का है, और इसका स्पेसिफिकेशन और वोल्टेज मैं यहां लिख के दे रहा हूं आपको, साथ ही साथ बता भी देता हूं। ये एम्पलीफायर जो है आपका 4 चैनल्ड है। 2 ओम्स पे ये देता है आपको 3500 वाट, 2.7 ओम्स यानी 3 स्पीकर अगर आप एक चैनल पे लगाते हैं तो लगभग ये 3800 वाट आपको दे देता है। 4 ओम्स पे ये 4000 वाट देगा, 8 ओम्स पे ये 2100 वाट देगा। मोटा मोटी मैं आपको बोलूँगा कि 24 इंचेस के अगर आप स्पीकर चलाना चाहते हैं 4, तो वो ये एम्पलीफायर चला लेगा। 18 इंच के हैवी वोल्टेज के 5 इंच या 6 इंच वॉइस कॉइल वाले स्पीकर आप लगाना चाहते हैं तो लगभग ये आपके 8 स्पीकर आराम से बजा लेगा। ये ब्रिज मोड पे आपको 4 ओम्स पे 6000 वॉट्स का आउटपुट देता है, 8 ओम्स पे आपको 7000 वॉट्स का ये आउटपुट दे देता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस एम्पलीफायर का है वो इसका डैम्पिंग फैक्टर जो कि है 5000। इसके एसेसरीज जो आपको साथ में आ रही हैं वो कुछ इस टाइप की हैं, जिसमें मैनुअल फिटिंग असेंबली है और थोड़ा सा पेपर वर्क है। इसका सिग्नल टू नॉइज रेशो जो है वो 108 dB का दिया हुआ है। इसका TSD जो है वो 0.35 है, सिर्फ 0.35% है। इसका पावर कनेक्टर जो आपने देखा अभी वो 32 एम्पियर का पावर कॉन का कनेक्टर है। 4 एनालॉग इनपुट, 2 डिजिटल इनपुट और 1 इथरनेट के लिए इनपुट दिया हुआ है। ये क्लास आई 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। इसका इथरनेट जो दिया हुआ है कनेक्शन वो कोबरा नेट और हाईक्यू नेट से ही चलता है। इसके स्पीक ऑन आउटपुट आप देख सकते हैं, चैनल 1-2 का साथ में दे रखा है, +1 -1 चैनल 1 के लिए, +2 -2 चैनल 2 के लिए, वैसा ही 3 और 4 चैनल का भी साथ में है। एक ब्रिज आउटपुट है जो कि चारों चैनल का एक साथ देगा। यहाँ पावर कॉन पिन लगेगी आपकी, जिसमें लगभग 8 आउटपुट तक आपको मिलते हैं। एम्पलीफायर की बैक साइड जो है दिखने में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड दिखती है, लेकिन ईजी है। ये पिन है हमारी जो है पावर कॉन पिन, जिससे हम लोग इस एम्पलीफायर को पहले ऑन करेंगे। बैक साइड में आप सॉकेट देख सकते हैं, मैं थोड़ा एम्पलीफायर घुमा देता हूं। यहां लग जाएगा ये पावर कॉन पिन, ये भी क्लिक के जैसे बंद होता है। इसका पावर जो केबल है वो प्लग पिन में लग जाएगा। जैसा कि मैं बता चुका हूं आपको, ये 32 एम्पियर का होता है। प्लग इन कर दिया, बटन ऑन कर दिया हमने यहां से। हम लोग XLR पिन से इसको इनपुट करते हैं। चैनल 1 पे हम लोग इसे अभी फिलहाल ऑपरेट करने वाले हैं, तो चैनल 1 में हमने XLR पिन लगा दिया है एनालॉग इनपुट में। इसे हम फिलहाल मिक्सर से डायरेक्टली बजाने वाले हैं। स्पीक ऑन पिन लगा देते हैं +1 -1 के कनेक्शन पे, ताकि चैनल 1 पे हम लोग इसे सुन सकें। चैनल 1 पे है ये। यहां से पहले हम लोग इसका स्विच ऑन करना भूल गए हैं, तो वो ऑन कर लेते हैं। देखिए, अभी ये ऑन नहीं किया है, आप देख सकते हैं पावर बटन में लाइट नहीं दिख रहा है। यहां से करते हैं इसे ऑन। अब यहां आप सामने लाइट देख सकते हैं पावर बटन में। अब कैमरा को प्लेस करके एम्पलीफायर घुमा लेते हैं और अब करते हैं इसे ऑन।
सबसे पहले ब्लू लाइट ऑन हुआ, उसके बाद आया डिस्प्ले पावर्ड बाय क्राउन बाय हरमन। डिस्प्ले जो है वो स्टाइलिश ब्लू कलर में दिखता है। ये लोडिंग का साइन हमें दिखा रहा है क्योंकि इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर दिया गया है वो पहले लोड हो जाता है। काफी हद तक दारोमदार इस सॉफ्टवेयर पे ही इसका डिपेंड करता है। इसमें नीचे आप बाकी फर्मवेयर की डिटेल देख सकते हैं, डिस्प्ले का डिटेल देख सकते हैं। अब आ गया है इसका वॉल्यूम कंट्रोल सामने। ये डिफॉल्ट स्क्रीन होता है जिसपे आपको चारों चैनल के इंडिविजुअल वॉल्यूम दिखते हैं। चैनल ए का वॉल्यूम जो अभी सेट है फिलहाल वो -24 dB पे है, चैनल बी का -40 dB, चैनल थ्री का -40, चैनल फोर का -40.5 dB। इन सभी का लिमिटर जो है वो 0 dB पे सेट है। यहाँ पे प्रेस नेक्स्ट टू सिलेक्ट एंड प्रेस एंड होल्ड नॉब टू टॉगल म्यूट यहाँ लिखा हुआ है नीचे। यहाँ साइड में तीन बटन है जिसमें मेन्यू एग्जिट, प्रीवियस और नेक्स्ट है। मेन्यू दबाने से इसका मेन्यू ओपन होता है और वॉल्यूम बटन से आप इसे स्क्रॉल कर सकते हैं, ऊपर नीचे घुमा सकते हैं। सिलेक्शन के लिए वॉल्यूम बटन को अंदर दबाना होगा आपको इस टाइप से। प्रीसेट इसके डिफॉल्ट पे सेट है, आप बैक करके वापस आ सकते हैं। और जनरल प्रॉपर्टीज में हम लोग देखते हैं, इसमें सैंपल रेट है, एनालॉग इनपुट, लोकेट, एम्प मोड वगैरह वगैरह सब कुछ इसमें दे रखा है। सैंपल रेट में जाते हैं तो 96 किलोहर्ट्ज पे ये मॉडिफाइड है सॉफ्टवेयर। इनपुट सेंसिटिविटी 1.4 VRMS रखी हुई है सभी चैनल की, और गेन जो है 38.9 dB तक हम लोग जा सकते हैं। हम लोग 0 dB भी नहीं गए इस टेस्टिंग में। इसे हम घटा या बढ़ा सकते हैं सेंसिटिविटी को, लेकिन 1.40 इज वेरी गुड सेंसिटिव। एम्प मोड में इसमें इनपुट सेक्शन दिया हुआ है कि आप एनालॉग जो इनपुट करने वाले वो किस टाइप से हैं। प्रीसेट के बाहर आने के बाद आप इंडिविजुअल चैनल का वॉल्यूम घटा या बढ़ा सकते हैं कुछ इस टाइप में। बताने के लिए काफ़ी ज़्यादा डिटेल है, लेकिन आज मैं इस वीडियो में इतनी सारी डिटेल आपको प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ। मैं जस्ट ऊपरा ऊपरी आपको बताता जाता हूँ क्या क्या मैं दिखाने वाला हूँ। जनरल प्रॉपर्टीज़ में हम लोग पहले भी आ चुके हैं, सैंपल रेट हम लोग देख चुके हैं, सेंसिटिविटी हम लोग देख चुके हैं, एम्प मोड इसमें 1-2 का इनपुट एक साथ है और 3-4 का एक साथ है। लोकेट ये शायद मैप के लिए लोकेशन होगा। ये चैनल लेबल्स दे रखे हैं, आप अपना नाम चेंज कर सकते हैं। डिस्प्ले, इसमें डिस्प्ले में आपको किस टाइप का डिस्प्ले चाहिए, स्क्रीन रेजोल्यूशन आपको किस टाइप का चाहिए, ब्राइटनेस लेवल आप इस पे दिया हुआ है। हम लोग कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। हम लोग एक काम करते हैं, इसको थोड़ा कम करके देखते हैं। ये हमने 70% पे से सेट किया और सेव किया। इसका LED मीटर डिस्प्ले दिया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग इसका इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो टोटली इस वाले मेन्यू में ये दिया हुआ है हमारे
जनरल प्रॉपर्टीज मेन्यू में, अब एडवांस्ड मेन्यू में जाके देखते हैं। इसमें अल्टरनेटर लिमिट्स दिया हुआ है कि लिमिट आपको कैसी सेट करनी है। इसमें चैनल के अल्टरनेटर के लिंक दिए हुए हैं, कौन सा चैनल किसके साथ लिंक करना है। इनपुट की प्रायोरिटीज है, चैनल 1 की, 2, 3, 4 की। मैक्सिमम एनालॉग इनपुट जो आप मिक्सर के थ्रू करेंगे या क्रॉसओवर के थ्रू करेंगे वो दिया हुआ है। इसमें AES पावर इनपुट कितना आ रहा है वो आपको दिखा रहा है, उसे कट कर सकते हैं ट्रिम करके। उसके बाद इसका बैंड पास का गेन सेट कर सकते हैं आप। आउटपुट की पोलैरिटी चेक कर सकते हैं, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस कर सकते हैं। इनपुट में कई सारे सिग्नल्स पहले आते हैं, कई बाद में आते हैं, तो उसका डिले आप सेट कर सकते हैं। इसका क्लिप का एक लिमिटर है, आप वो सेट कर सकते हैं। पिंक नॉइज कहीं जनरेट हो रहा है तो उसको म्यूट कर दिया जाएगा। -100 dB के बाद का जो है आउटपुट वो कैंसिल कर दिया जा रहा है। स्वीप लोड मॉनिटरिंग, इस टाइप का कुछ फंक्शन दे रखा है। इसमें लिमिटर का स्टेट्स आप चेक कर सकते हैं कि कैसा है। इसमें वोल्टेज कितना आ रहा है पीक चैनल से। RMS वोल्टेज लिमिटर आप सेट कर सकते हैं जो कि 100 वोल्ट इसमें था। ट्रांसड्यूसर का थर्मल लिमिटर सेट कर सकते हैं। ये इसका लिमिट सेट करने के लिए दिया हुआ है। इसमें है तो वैसे बहुत कुछ फीचर्स में, एक एक चीज आपको धीरे धीरे समझनी पड़ती है। इसमें ग्लोबल मॉनिटरिंग सारे चैनल का, पीक RMS जैसे फीचर्स दिखते हैं। यहाँ पे आप लोड मॉनिटरिंग देख सकते हैं, चैनल 1, 2, 3, 4 चारों पे, हालांकि लोड नहीं है तो ऑफ रखा हुआ है। इसका थर्मल परसेंटेज, कितना चैनल हीट हुआ है कितना नहीं हुआ है, आपको परसेंटेज दिख जाएगा। इसका टेम्परेचर कौन से चैनल का कितना है वो आप देख सकते हैं। AC लाइन का वोल्टेज कितना आ रहा है, जैसे 250 वोल्ट से ऊपर आ रहा है। इसका ऑपरेटिंग टाइम टोटल अभी तक कितना है, 71.6 आवर्स हुआ है। इसका एक चैनल पे वोल्टेज कितना दिया हुआ है हमने वो बताएगा। आवर्स यानी कंपनी की टेस्टिंग मिला के ये पार्ट दिया गया है इसमें। इसमें क्लिप एरर दिया गया है, यानी कि आपका इनपुट अगर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है तो ये क्लिप शो कर देगा आपको वहां पे। बड़ी बात ये है कि इसमें फैन का भी एरर दिया गया है, अगर आपके सारे फैंस ठीक चलते हैं तो वो भी आपको शो करेगा इसमें डिस्प्ले पे। नेटवर्किंग के लिए मैं बता चुका हूं कि इसमें हाईक्यू नेट और कोबरा नेट यूज किया गया है, उसका नेटवर्किंग आप इससे कनेक्ट करके आप चला सकते हैं। इसमें पहले आपको एम्पलीफायर कनेक्ट कर लेना होता है इथरनेट के थ्रू या केबल के थ्रू। इस एम्पलीफायर का वेट हालांकि कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत ही लाइट वेट है, लेकिन इसके फीचर्स बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। मतलब एक एक फीचर अगर मैं गिनता जाऊं तो शायद मैं 2 घंटे भी मतलब कम पड़ जाएंगे मुझे। 4 चैनल का इसका आउटपुट है, हमने सिर्फ 1 चैनल यूज किया, बाकी 3 भी आप यूज कर सकते हैं। ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा लोड या बहुत ज़्यादा बड़े प्रोग्राम को हैंडल करने की कैपेसिटी रखता है, और क्योंकि क्राउन है तो इसके साथ रिलायबिलिटी ऑटोमेटिकली जुड़ जाती है। इसके फीचर्स में मैं एक पॉइंट बोलना चाहूँगा कि इसका इंटरफेस बहुत कमाल का है, और अगर आप इसको चलाने में मिस्टेक भी करते हैं तो ये आपको इंडिकेट करा देगा कि आपकी मिस्टेक है और क्या मिस्टेक है वो बता देगा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, हमारा मतलब स्पीक ऑन का वायर टच हो गया आपस में, शॉर्ट हो गया और एम्पलीफायर कनेक्टेड था, तो इसमें शॉर्ट लिख किया गया है इंटरफेस पे और इसका वॉल्यूम कम हो गया है, यानी इसने हमको इंडिकेशन दे दिया कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। चैनल 1 में इसने हमें शो कर दिया था, चेक किया हमने तब मालूम पड़ा कि वाकई ऐसा है, फिर करेक्ट करके वापस बजाया, शानदार आउटपुट निकलता है। चलिए अब इसको एक बार टेस्ट करते हैं
और टेस्टिंग के दौरान मैं हालांकि बहुत ज़्यादा आपको टेस्टिंग नहीं सुना पाऊंगा, लेकिन मैं इसके कुछ फीचर्स आपको टेस्टिंग में दिखा रहा हूं, जैसे इसका वोल्टेज, इसका टेम्परेचर, इसका इंटरफेस किस टाइप का है वो आप लोग समझ जाएंगे, और बाकी आखिर में देखते हैं वर्डिक्ट। आइए, इस एम्पलीफायर का जो बेसिक है पार्ट है वो है इसका पैनल, जो इंटरफेस बोलेंगे। इसमें आपके चार चैनल हैं, एक चैनल का वोल्टेज लगभग 4000 वॉट बोला गया है। अभी इस पर हमको सेट करना है, सेट मैंने ऑलरेडी इसे कर रखा है थोड़ा बहुत, लेकिन मैं इसे आपको वॉल्यूम बढ़ा के सुना के दिखाता हूँ इसकी क्वालिटी कैसी है। आइए, कमाल के एम्पलीफायर के लिए चाहिए आपको कमाल के स्पीकर्स। अगर आप लोग क्राउन एम्पलीफायर यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली JBL के स्पीकर्स आपके पास होने ज़रूरी है। इसके इंटरफेस की मैं बात करूं, हर एक चीज़ को इन्होंने बहुत ध्यान से बना रखा है, इनका R&D कमाल है। मतलब ऐसे कुछ फीचर्स हैं जो कि आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें वोल्टेज प्रोटेक्शन दिया हुआ है, हायर और लोअर वोल्टेज पर इसका प्रोटेक्शन है। इसने 250 के ओवर जाने पे, अबव जाने पे भी वोल्टेज पे ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। इसमें शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन दिया हुआ है। इसमें अगर आप लोग पावर पिन लगाते हैं, जो कि स्पीक ऑन टाइप की होती है, लेकिन इसमें चारों टर्मिनल आप यूज़ करते हैं तो भी ये काम करता है। मैंने इसे ब्रिज मोड पे चला के नहीं देखा। मैंने जैसे बताया कि पूरा एम्पलीफायर एक वीडियो में रिव्यू करना मुश्किल होता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। इनपुट में हमने एनालॉग सिग्नल इनपुट किया है, इसे हमने डाटा पे नहीं चलाया है और ना ही हमने इसे इथरनेट पे चलाया, इंटरनेट पे चलाया है। इसमें पीछे से स्विच जो दिया हुआ है वो MCB वाला स्विच है।
पहले जब इसका फैन स्टार्ट हुआ था तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ घूम रहा था, मुझे ऐसा लगा था कि मैंने कुछ गलत लगा दिया है, लेकिन बाद में मुझे पता लगा कि इसका रूटीन प्रोसेस ही वही है। जब ये स्टार्ट होता है तो फ़ैन काफ़ी देर तक, मतलब लगभग आधे पौने मिनट तक ये फास्ट घूमता है बहुत ज़्यादा, तो आपको ये समझना पड़ता है। आउटपुट सेक्शन में एक स्पीक ऑन पे आपके दो आउटपुट निकल जाते हैं, प्लस वन माइनस वन पे चैनल वन का है, प्लस टू माइनस टू पे चैनल टू का है, वैसा ही सेकंड वाले पार्ट पे, और नीचे वाला जो स्पीक ऑन है उस पे चारों एक साथ दे रखा है, वो बड़ी पिन वाला है। इनपुट सेक्शन में दो टाइप के इनपुट है, एक तो एनालॉग एक तो डिजिटल वाला इनपुट। हमने डिजिटल अभी यूज़ नहीं किया है, वो भी आगे के वीडियोज़ में करने की कोशिश करेंगे, फिलहाल हम लोग इसे एनालॉग पे चला रहे थे। BIS अप्रूव्ड का ये एम्पलीफायर क्राउन की ओर से बहुत ही कमाल आउटपुट देता है, और इसका प्राइसिंग मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ये MRP इसका 6,06,000 समथिंग है, लेकिन मार्केट में आपको अच्छी प्राइसिंग में ये मिल सकता है। अगर आप लोग इसे लेना चाहते हैं तो नज़दीकी डीलर से कॉन्टैक्ट कीजिए, तो फिर मुझे भी याद कर सकते हैं, ऑफिस नंबर मैं नीचे दिया देता हूँ। आज की वीडियो में इतना ही, और भी वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, थैंक यू गाइज़।